मैं कहता हूँ, मैं उन्हें सलाम करता हूँ, शेर अल सुन्नत, लेकिन कमाल का जुमला लिखा है, कहते हैं दरूद और सलाम हो उस पे जो बज़ाहिर कैदी है लेकिन कद्र और कज़ा को कैद करता है। बज़ाहिर कैदी है, कद्र और कज़ा को कैद करता है। आप जी आप सलामत रहे, बच्चे ने नारा लगाया है, आप आदमी है, मैं आदम की बात करता हूँ। जनाब आदम जन्नत के दरवाजे पे, रवायत है जन्नत के दरवाजे पे, जनाब आदम जन्नत के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा खुलता नहीं। जनाब आदम की आवाज आती है, पालने वाले मैं इसी घर में रहा हूँ, यहीं से गया हूँ, इसे खोलना चाहता हूँ, दरवाजा खुलता नहीं, माजरा क्या है? आवाज कुदरत आती है, आदम तुझे नहीं पता इसकी चाबी है क्या? इसकी चाबी या अली है। तो या अली के बिना जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता। अब मुकद्दर अपना अपना नसीब अपना अपना, जो अपनी चुप हो। एक और हदीस सुना देता हूँ, जो बंदे यहाँ पे या अली कहते हैं उनका मुकद्दर, उनका नसीब क्या है? जब पुल सरात से लोग गुजरेंगे, पुल सरात से गुजरते हुए एक टोला ऐसा आएगा जिनके पास कुछ भी ना होगा, बिल्कुल खाली, कुछ भी ना होगा, लेकिन पुल सरात से या अली कह के गुजर जाएंगे। पीछे आने वाले लोग उन्हें देख के कहेंगे, ये कैसे लोग हैं जिनके पास है भी कुछ नहीं लेकिन या अली कह के गुजर जाते हैं। वजह क्या है? वो लोग खुद या अली कहना चाहेंगे लेकिन उनके हलक से आवाज नहीं निकलेगी, हाथों को जोड़ के कहेंगे, ऐ खुदा रमेजन ये माजरा क्या है? वो या अली कहते हैं, बाहर चले जाते हैं, हम या अली कहना चाहते हैं, आवाज हमारे हलक से निकलती नहीं, आवाज कुदरत आएगी, क्या तुम्हें पता नहीं? ये वो है जो दुनिया में या अली कहते रहे, तुमने दुनिया में या अली कहा नहीं, यहां मैं तुम्हें कहने नहीं दूंगा। आप जी आप सलामत रहो, दरूद और सलाम हो उस पे जो बज़ाहिर कहती है लेकिन कद्र और कज़ा को कैद करता है। जो बंदा कद्र और कज़ा समझता है उसे मेरी तरफ से वाह वाह मदाइन का रहने वाला शख्स। चले इसी पे एक जुमला पहले पढ़ के करिए, वाक्या सुना के नौकरी तमाम। वो कहते मेरा दरूद हो सलाम हो उस पे, इमाम सज्जाद पे, मेरा दरूद हो सलाम हो उस पे जिसने मलकुल मौत को छिड़का। मदाइन का रहने वाला शख्स हर साल हज करने आता है, हज से वापस सीधा मदीने। अब हुआ मदीने के बाद एक मुकाम है जहाँ पे जनाब आमिना की कब्र मुबारक है, मादरे मोहम्मद मुस्तफा। वाकया करबला के बाद इमाम सज्जाद ने उस जगह को आबाद किया अबू हफ्स। जब भी वापस मदीने आता इमाम सज्जाद की ज्यारत करके वो वापस जाता, आया ज्यारत करके वापस गया। जैसे अपने घर को वापस पहुंचा जोजा ने उसे पूछा कि हर साल तू जाता है हज कर लेकिन साथ कुछ तवायफ भी लेके जाता है कि मैं ये ताज जाके किसी को दूंगा। जब भी जाता है हर साल हर दफा उसके लिए लेके जाता है, कभी तूने ये नहीं कहा कि मैं जिसके लिए लेके जाता हूँ वो मुझे भी कुछ दे, तूने कभी बताया नहीं। क्या तेरा दोस्त गरीब है? ये जुमले उसकी सोचा ने के जल्दी से आगे बढ़ा, सोचा के लबों पे हाथ रख के कहता है, चुप, तू बोलती यहाँ पे है वो सुनता वहां पे, तू बोलती यहाँ पे है वो सुनता वहां। और खबरदार ये ना कहना कि वो मेरा दोस्त। आ गया फिर हज, हज से वापस मदीने आया, जैसे पहुंचा इमाम अली ज़ैनुल्लाह मदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह, जैसे मौला की बारगाह में आया इमाम उसे देख के मुस्कुराए, मुस्कुरा के इमाम उठे। इमाम ने एक तख्त उठाया, आफ्ताब और सुराही हाथ में उठाया, मौला से फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि ये आले मोहम्मद रहे हमें दर्द, मेरी कोशिश होती है मजलिस में कोई ना कोई जुमला ऐसा हो ताकि जो आने वाले अजादार मोमिन हैं जहाँ से वो लेके जाए। पूरा मुहर्रम हो गया, हर मजलिस में एक जुमला कहता हूँ, जब भी मजलिस से आजा बादशाह हुसैन की मजलिस में आओ और यहाँ से वापस जाओ एक बार अपनी हथेली खोल के देखा, आए थे क्या लेके आए हो, जाते हुए क्या लेके जाओ, अगर आते हुए तुम अपनी मन्नत के लिए आए हो मन्नत पूरी करवाना, हुसैन के यहाँ कोई बड़ा मसला नहीं, बच्चा हुसैन के नौकर मन्नत पूरी कर।
अगर कुछ लूटिए जनाब जहरा के लिए मजलिस से हुसैन में आए, जाते हुए अगर तुम्हारा किरदार बदल गया, तुम्हारी सोच, तुम्हारी गुफ्तार बदल गई, फिर तो तुम मजलिस में कुछ लूटिए जनाब जहरा के लिए आए। तो मौला ने उसे फरमाया, मौला फरमाते हैं कि अब तो ये बनता था कि मैं मेजबान हूँ, तू मेहमान है, मैं तेरे हाथ धुलाता, लेकिन मैं तेरा इमाम भी हूँ। इतना कहने के बाद मौला ने फरमाया कि मेरे हाथ धुला, ये कह के तस्त नीचे रखा, उसने इमाम के हाथों पे पानी डाला। अभी पानी के कतरे अली जैन उल आबदीन की हथेली से मस हुए, तस्त में गिरने से पहले सुर्ख याकूत बन गए। मौला की आवाज़ में मौला फरमाते हैं ये क्या है? उसने कहा मौला सुर्ख याकूत। इमाम ने फरमाया फिर पानी डाल। अभी चंद कतरे उसने डाले, फिर मोती गिरना शुरू हुए। इमाम ने फरमाया ये भी उठा ले, ये भी उठा ले। अब जो बंदा अली उन वलीउल्लाह पढ़ता है वो बंदा चुप रहा, मुझे अंदर से दुख लगेगा। इमाम ने फरमाया ये भी उठा ले, ये भी उठा ले, ये भी उठा ले। जब कहा ना ये भी उठा ले, ये भी उठा ले, ये भी उठा ले, मौला की तरफ देखा, इमाम की आवाज है ये सब तेरे लिए है। जहाँ के अपनी सोचा से कहना कि मेरा दोस्त गरीब नहीं। ये जुमले सुने उसने हाथों को जोड़ के कहा, उसने कहा मौला मेरी सोचा जानती नहीं, मौला वो लाइलमी में आपको मेरा दोस्त कह बैठी, मौला उसे क्या पता आप मेरे इमाम हैं। अली जैन उल आबदीन ने उसे अपने सीने से लगाया, सीने से लगा के मेरे मौला की आवाज़ है जा, जाके पूरे मदाइन में ऐलान कर दे अली जैन उल आबदीन मेरा दोस्त है, अली जैन उल आबदीन मेरा दोस्त है। हाथों को जोड़ा, शस्त्र हुआ, मौला मैं कैसे कह सकता हूँ मैं आपका दोस्त? इमाम ने फरमाया सिर्फ तू ही नहीं, ऐलान कर दे हर वो बंदा अली जैन उल आबदीन का दोस्त है जो मेरे दादा अली की विलायत पे कायम है। जो अली की विलायत पे कायम है वही हमारा दोस्त हो। आ गया, घर पहुंचा, जैसे ही ये सारी कीमती चीजें देखी, उसकी सोचा की आवाज आई, बड़े तोहफे लेके आया। उसने कहा मैंने तुझे कहा नहीं था तू बोलती यहाँ पे है, वो सुनता वहां नकली ने यहीं पे जुमला लिखा है इस बात को। फरमाते हैं उसकी जोजा ने इतना कीमती सब कुछ देखते साथ कहा कहाँ से लाया? उसने कहा मदीने से। उसकी जोजा की आवाज रही हो ना हो मदीने में करीमों का खानदान ही है, जिनसे तू लेके आया किस से लाया? उसने कहा कि मैं अली जैन उल आबदीन से लाया। जब कहा अली जैन उल आबदीन ने यह सब अता किया, जोजा की आवाज रही कि मैंने तुझसे छुपाया, मैं भी उनकी चाहने वाली। उसने कहा इकट्ठे जाएंगे अगले साल, वो इकट्ठे चले जुमला जहन में रहे सुन्नत अल-मदीन अबू हसन वरंदी लिखते हैं दरूद और सलाम हो उस पे जिसने मलक और मौत को छेड़ा। जब वहाँ से चले रास्ते अभी मदीने से बाहर थे, उसकी जोजा मर गई, जब जोजा मर गई उसने कहा कि इसे दफनाऊंगा बाद में, पहले अपने मौला की ज्यारत करूँ। इमाम अली जैन उल आबदीन की बारगाह में पहुंचा, जैसे इमाम की बारगाह में पहुंचा दस्तरखान बिछा हुआ था, खाना चुना हुआ, इमाम की निगाह पड़ी। इमाम ने उसको आगे कहा मदाइन से तो दो चले थे। जब मौला ने कहा ना मदाइन से दो चले थे, उसने हाथों को जोड़ के कहा जो ये जानता है कि मदाइन से दो चले थे वो ये भी जानता है मैं यहाँ तनहा क्यों आया। मेरे मौला की आवाज आई जा, जाके देख तेरी जोजा जिंदा हो। जैसे इमाम ने कहा जा, जाके देख तेरी जोजा जिंदा हो, जल्दी से वहीं आया, उसकी जोजा बैठी हुई। जोजा करीब आके कहता है तू तो मर चुकी थी। उसकी सोचा की आवाज है जब तू यहाँ पर मुझे छोड़ के चला गया, मलकुल मौत मेरी रूह लेके जब आसमान के शशम पे पहुंचा, उस वक्त एक नौजवान आया जिसने मलकुल मौत को छिड़क के कहा तुझे पता नहीं ये मेरी ज्यारत के लिए आ रही है, तुझे पता नहीं ये मेरी ज्यारत के लिए आ रही थी, चल जल्दी चल। सोचा को साथ लिया, जैसे इमाम की बारगाह पे पहुंचा, उसकी सोचा की निगाह जैसे इमाम पे पड़ी, अपने शोर का कांधा हिला के कहती है यही तो वो है जिसने मलकुल मौत को झिड़का है, यही है वो जिसने मलकुल मौत को झिड़का है। इतने में एक बंदा उठा, उठ के सीधा इमाम अली जैन उल आबदीन के पास है, कहता है मुझे समझ नहीं आई उसकी जोजा जो मर चुकी थी, आपने कहा जहाँ जिंदा होगी वापिस आया है, जोजा साथ लेके आया है। उसकी जोजा कहती है ये वो है जिसने मलकुल मौत को झिड़का, लेकिन वो जब यहाँ से गया था उसके जाते ही आपने मुसल्ला इबादत बिछाया, मुसल्ला इबादत बिछा के आपने दो रकन
नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आपने हाथ उठा के दुआ मांगी कि इस मोमिन की सोचा को जिंदा कर, यह माजरा क्या है, यहाँ दुआ मांगी है। वो कहती है आपने मलकुल मौत को झिड़का, मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा तुम्हें समझ नहीं आएगी। उसने कहा मौला यही तो पूछना चाहता हूँ, वजह क्या। इमाम ने फरमाया सुन, हम दुआ मांग के यहाँ पे निजाम चलाते हैं, वहां पे बैठ के निजाम बचाते हैं। अबुल हसन मरिंदी कहते हैं मेरा दरूद हो सलाम हो सुबह जो मातम कदे में बैठ चुका, जो मातम कदे में बैठ चुका उस पर आंसू आ जाएगी। और मुझे दाखिल कहते हैं ना कि आज हर मोमिन के पास सजाद बैठे, आज खुद इमाम सजाद मेरा कीदा है, आज खुद बादशाह हुसैन लिखते कहते मेरा दरूद हो सलाम हो, यही जुमले हमें कब्र तक रुलाएंगे। कहते हैं दरूद हो सलाम हो पे जैसे किताब खोल दो उसके वर्ग बिखर जाते हैं। कहते हैं उसको दरूद व सलाम है करबला से कूफा, कूफा से शाम तक, जिसकी पुश्त का गोश्त कभी कूफा की दीवारों कभी शाम की दीवारों। हसन हसन सैदी साहब अल्लाह मकामों फरमाते थे दो औलादें थी हुसैन की करबला में, एक बेटा एक बेटी, एक जीना चाहता जीना चाहती थी वो मरना चाहता, जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई। जो हर मोड़ पे कहता रहा पुपी अम्मा दुआ मांग तेरा सज्जाद मर जाए वो जिंदा रहा। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन छोड़ दिया बस आधे मिनट का जुमला, इमाम ज़मीर अख्तर ने भी लिखते हैं जो तोप था इमाम सज्जाद के गले उसके आगे बर्छियां लगी, तो के आगे बर्छियां उस तोप का टुकड़ा एक आज भी हैदराबाद दक्कन में पड़ा हुआ जिस उस इलाके पूरे इलाके को दारुल शिफा कहा था। फिर अख्तर नकवी लिखते हैं कि वो बर्छियां इस अंदाज में थी अगर सज्जाद दाएं गर्दन करते तब भी बर्छियां लगती, दाएं गर्दन करते तब भी बर्छियां लगती, इतना वजनी तोप था, एक इस तरफ जंजीर एक उसके बाएं तरफ जंजीर, जंजीरों में झगड़ा हुआ था अली ज़ैनुल आबिदीन, उस तोप ने सैयद की कमर को झुका दिया, इस अंदाज में सैयद चल रहा था, पैरों में बेड़ियां हाथों में हथकड़ियां गले में तोप, पुश्त पे रस्सी बांधी हुई थी, रस्सी के साथ मुस्तरात और इस्मत थी जो एक रस्सी में नौ गले थे, इस अंदाज से काफिला चल रहा था। शाम के बाजार में ये काफिला दाखिल हुआ, जैसे ही दाखिल हुआ एक शख्स की निगाह पड़ी, उसने नेज़े पे इमाम हुसैन के सर को देखा, जैसे उसने सर को देखा उसने देखा ये सर कुरान की तिलावत करता है, जल्दी से वो इमाम सज्जाद के करीब आया, करीब आके उसने पूछा ये जो नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है ये सर किसका है। इमाम सज्जाद की आवाज है ये मेरे बाबा का सर है। कहा तुम्हारे बाबा का नाम क्या है, जब कहा ना तुम्हारे बाबा का नाम क्या है, मेरे मौला की आवाज है मेरे बाबा का नाम हुसैन इब्ने अली है, जब कहा हुसैन इब्ने अली है उस शख्स की आवाज है मोहम्मद का बेटा हुसैन। इमाम सज्जाद की आवाज है यहाँ, उसने कहा आपका नाम, मेरे मौला की आवाज है मेरा नाम सज्जाद है। ये जुमले सुनने थे, उसने अपनी तलवार के कब्जे पे हाथ रखा, इमाम की आवाज है खबरदार इस हजूम में तलवार न निकालना। उसने कहा मौला ये कैसे हो सकता है हुसैन का बेटा सज्जाद कैदी हो, नेजे पे हुसैन का सर हो और मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला ये सारा देख के बर्दाश्त कर जाऊं, मौला मैं इन पे हमला करूंगा, मौला मैं शहादत की मौत चाहता हूँ। ये जुमले उसने कह के दोबारा तलवार खींचना चाहिए, इमाम सज्जाद की आवाज़ खबरदार तलवार न निकालना, यहाँ हजूम है, हजूम
में भगदड़ मच जाएगी और मेरी सकीना और मेरी पुश्त वाली रस्सी से मेरे साथ बंधी है। ये जुमले सुने उसने हाथों को जोड़ के कहा मौला हुक्म। अली ज़ैनुल आबिदीन के वाले समीर अख्तर नकवी लिखते हैं मेरे मौला ने उस शख्स का अपने साथ से इमामा उतार, उसने इमामा उतारा, मेरे मौला की आवाज मेरी पुश्त की तरफ आ, वो पुश्त की तरफ आया, इमाम की आवाज इस तौक ने और मेरी गर्दन का गोश्त खा लिया, हो सके तो ये कपड़ा इस तौक में फंसा दे, मैं चंद कदम